हर महादेव। तो कैसे हो? तो आज करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। अभी हूँ मैं सीतापुर में, अभी वापस जा रहे हैं। अभी आज का सीन ये है कि हम जाएंगे मसूरी, तो यहाँ से निकलते हैं। और धूप वगैरह देख लो निकल चुकी है यहाँ से। अभी निकलेंगे सीतापुर से, और सीतापुर में हमारी स्टे थी इस होटल में। ये होटल का नाम नीचे ही अगर आपको बता दूँ, काफ़ी अच्छी अकोमोडेशन थी, काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, मतलब बंदे काफ़ी हेल्पफुल है। इस बोर्ड के सामने, ये बोर्ड आपको ग्रीन वाला दिख रहा है, दूसरी साइड केदारनाथ 21 किलोमीटर लिखा होगा, उसके साथ में ही है, तो आप यहाँ पर ले सकते हो। एक बार होटल का नाम वगैरह आपको मैं नीचे जाकर बता दूँ। और आ जाएंगे हम मसूरी। तो केदारनाथ यात्रा से कल हम वापस आ चुके थे, कल पूरे दिन रेस्ट की, आज हम चलाएँगे बाइक। तो चलते हैं नीचे जल्दी जल्दी भाई लोग। और मेरी शक्ल को इग्नोर करना, बिकॉज हो गए दो दिन, हो गए मैं नहाया नहीं, मसूरी में जाकर नहाऊँगा। तो अभी निकलने की तैयारी फुल रेडी हो गई। और ये है होटल, ये आप पढ़ सकते हो, महावीर टूरिस्ट लॉज, और ऊपर मोबाइल नंबर भी है, वो भी देख लो आप। तो यहाँ पर आकर रह सकते हो, अकोमोडेशन काफ़ी अच्छी है। तो निकलते हैं यहाँ से। तो अभी करते हैं बाय बाय अपने महादेव जी की नगरी को, और चलते हैं मसूरी की। और फिर आएंगे महादेव जी, जब आप बुलाओगे तब आएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। तो करते हैं बाय बाय। कल जब हम आए थे, ये पूरा रात हो गई थी। अभी देखो पूरा व्यू कैसा है, रोड पूरा ये वाला अभी 30-40 किलोमीटर का पैच ख़राब है, बाद में अच्छा रोड है। बाकी हम यूज़ टू नहीं है इस रोड पर, तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत देता है, अभी यूज़ टू हो जाएंगे। देखो कितना सही व्यू है यार, रात को कुछ दिखाई नहीं ऐसा। तो मेरे राइट पर देखो, वाह क्या व्यू है, क्या व्यू है, वाह। यहाँ पर काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है, पता नहीं क्यों पीछे से आ रहा है, 500 मीटर से जाम ही है। गाड़ियाँ वगैरह तो ऐसे ही खड़ी हैं, बाइक्स निकल जा रही है, और इसमें पेट्रोल भी कम हो चुका है, इसमें फ्यूलिंग करवाने का समय आ चुका है। देखते हैं आगे क्यों जाम लगा है। वो देखो आगे गाड़ी फंसी हुई है, टाटा नेक्सन। यहाँ पर ना पुलिस होनी चाहिए, ये ब्रिज इतना वाइड नहीं है कि दो गाड़ियाँ एक साथ निकल जाए। दो गाड़ियाँ अगर वाइड हो, अगर सामने से कोई एंडेवर आ जाए तो यहाँ से निकलेगी नहीं। इनको ट्रैफिक रोकना चाहिए, जैसे सामने अभी रोक लिया है। एक आधे बंदे की गलती से जाम लग जाता है, इतना बड़ा पहाड़ों में ऐसे ही होता है। अभी पेट्रोल पम्प देखते हैं आगे कहाँ मिल गया जी। देखो कितना जाम है। बड़ा भयंकर वाला जाम लग चुका है भाई लोग। अभी ये देखो, जहाँ से ट्रक निकलेगा नहीं तो हम कैसे जाएंगे उस पर। हो। और पता क्या है, आज पब्लिक बहुत जा रही है केदारनाथ को, जब हम गए थे इतना नहीं था, अभी बहुत पब्लिक जा रही है केदारनाथ को। वो निकल जा। तो थोड़ी सी गाड़ी होगी साइड को, तब मेरी बाइक जाकर अंदर घुसेगी। अंकल ने देखो पूरी टेढ़ी लगा रखी है। अभी आगे कर लूं बाइक। देखो पूरी पूरी जगह है, थोड़ा आगे कर ले भाई। जाम लग गया। हमारी साइड वाला जाम तो क्लियर हो गया है, ये वाली साइड देखो कितनी लंबी है, कम से कम 1 किलोमीटर हम आ चुके हैं, और वो पीछे तक मुझे दिखाई दे रही है। देखते हैं कितना लंबा जाम है, 2-3 किलोमीटर का लंबा जाम है भाई लोग। ये तो लड़के उम्मीद ही छोड़ बैठे हैं, सभी गाड़ियों के बाहर ही हैं, देखो सभी बाहर घूम रहे हैं। बाइक का ये फायदा तो है, चलो निकल तो जाती है जाम से। ये देखो कितनी लंबी लाइन, ओ माय गॉड, वो पीछे तक लाइन ही लाइन है। बहुत क्राउड है भाई लोग केदारनाथ के मंदिर पर, बहुत क्राउड मिलेगा आपको। ऊपर रूम देखना, इतना महंगा होगा ना,
बहुत महंगा होगा भाई लोग, बहुत महंगा, 10,000 से नीचे कोई नहीं देगा। और यहाँ पर प्री वेडिंग शूट हो रहा है, शादी भी है, 2-3 मुझे दिखी, देखो जाम ही नहीं खत्म हो रहा। भाई लोग इनकी कब टर्न आएगी यार, आप नहीं पहुंचोगे आज। ये हमारे यहाँ की गाड़ी PB8 जलंधर की गाड़ी, खुशी होती है ऐसे अपनी गाड़ी देखकर, अपने एरिया की गाड़ी देखकर। ओ जाम, ये यहाँ पर जाकर जाम एंड हुआ। अभी पीछे वाले जाम से निकले, अभी फिर जाम। ये वाला बंदा तो गाड़ी छोड़ के ही चला गया, पता नहीं कहाँ जाम क्लियर करवाने पीछे। पर आज रात हो जाएगी मसूरी पहुँचते पहुँचते, पक्की बात है। अभी है फ्यूलिंग टाइम, यहाँ पर फ्यूल भरवाते हैं इसमें। यहाँ पर 103 रेट चल रहा है, नीचे 100 है, तो यहाँ से कम डलवाएंगे 500 का। आगे जाके टैंक फुल करवा लेंगे इसका, तो 500 का इसमें आ गया, इसमें डलवाएंगे अभी। ये देख लो रेट आप पेट्रोल का, नीचे सस्ता होगा कितना? अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ से गाड़ी पीछे देखो क्या लिखा है, गॉड इज बिजी कैन आई हेल्प यू। वाह क्या बात है भाई। और ये बढ़िया रोड, अभी श्रीनगर नगर जाकर स्टॉप लेंगे। और देखो व्यू कितना अच्छा लग रहा है, जब अपन लोग आए थे यहाँ को तब रात हो चुकी थी, तो कुछ नहीं दिखा ये सब। अभी देख लो मतलब बढ़िया सीन है। तो अभी हम टेरी होके जाएंगे, टेरी जो भी है, TEHRI जो भी बोलते प्रनाउंस करते हैं, वहाँ से जाएंगे। अपन लोग ऋषिकेश वगैरह से नहीं जाएंगे, बिकॉज एक तो गूगल मैप वहाँ से रोड क्लोज दिखा रहा है, और आगे जाकर मैंने लोकल से पूछा, वो बोल रहे हैं ये वाला बढ़िया रोड भी है और हाईवे है, यहाँ से जाएंगे। तो देखते हैं, गूगल मैप भी यही रोड शो कर रहा था, दूसरे वाला ऋषिकेश देहरादून होकर जो जा रहा है, वो गूगल मैप वहाँ पर लिखा रहा था कि रोड क्लोज है। तो अपन लोग यहीं से जाएंगे धनौल्टी होते हुए मसूरी। बाकी रोड जैसा लोगों ने बोला साफ है, तो साफ ही मिलना चाहिए। पहले तो सोचा था श्रीनगर जाकर रुकेंगे, पर अभी देखते हैं कहाँ रुकते हैं। और मेरे साइड पर व्यू चेक मारो, देखो इधर की साइड बढ़िया है, जहाँ पत्थर आ जाते हैं ना नदी में, तो वो चार चांद लगा देता है नदी को, देखो कितनी बढ़िया लग रही है। अभी 5-10 किलोमीटर हो चुके हैं इस रोड पर, ये रोड ख़त्म होने को ही नहीं आता यार, स्पीड नहीं निकल रही, बोर हो जाता हूँ मैं इस रोड पर, ऐसे रोड्स पर। वो बंदा बोल रहा था कि हाईवे है हाईवे है, हम अभी तक तो कोई हाईवे दिखा नहीं, ऐसा ही रोड है, सिंगल सा रोड है, वही 30-35 पर चल रही है अपनी बाइक। बोर हो चुका हूँ यार पूरा मैं, तो यार स्पीड चाहिए इस बाइक को, ये ऐसे रोड नहीं मांगते इसको। पर रोड साफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि रोड ख़राब है, ये है वो है, पर रोड साफ है। और सामने देखो ऐसे वीडियो बनती है उत्तरकाशी 155, देखो आईफोन से लगा हुआ है बनाने वीडियो, तो बढ़िया है। ये फ़ायदा है एक पिलियन बैठाने का, वो पीछे बैठा रील्स वीडियोस बनाता रहता है। सुबह से हम लोग चाय पीकर निकले, अभी भूख इतनी ज़्यादा लग रही है मुझे, इतनी ज़्यादा, और ऊपर से ये रोड ख़त्म होने को नहीं आ रहा, पता नहीं यार कहाँ आ गए हम। इससे अच्छा तो हम ऋषिकेश वाले रास्ते से चलते, हाईवे तो था। ये देख लो कितना सा रोड है। तो यहाँ पर रुके थे थोड़ी सी नेचर को अटेंड करने के लिए, और यहाँ पर रोड देखो कितना मतलब सीनिक सा व्यू है पूरा। देखो बोर्ड्स की आवाज़ आ रही है कितनी ज़्यादा, शायद आपको भी आ रही होगी। और ये अपनी मॉन्स्टर देखो, पूरा इसका चक्का घिस चुका है पीछे वाला, देखो अभी 100 किलोमीटर बोल रहे हैं कि ऐसा ही है रोड TD तक, बुरा हाल होने वाला भाई लोग। इस रोड पर स्पीड नहीं निकल रही, 30-35 पर चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से मसूरी है 106 किलोमीटर,
तीन घंटे का रास्ता दिखा रहा है, 3 घंटे 18 मिनट, मतलब 3:10 हो गए, हम 7 बजे पहुँचेंगे, रुकेंगे भी अभी खाने के लिए। यहाँ पेट्रोल पम्प पर रुका था बिकॉज इसमें फ्यू नहीं है और यहाँ पर कार्ड नहीं चल रहा, कार्ड वाली मशीन ही नहीं है इनके पास, तो आगे देखते हैं कहाँ मिलेगा पेट्रोल। तो रास्ते में हमें ढाबा दिखा, ये रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर कुछ खाते हैं। सेल्फी पॉइंट जी, वह यहाँ पर सेल्फियाँ लेते हैं हम। तो 3:30 हो गए लगभग, अभी जाके हमारा ब्रेकफास्ट होने वाला है, अभी जाकर सुबह से चाय पीकर निकले हैं बस। तो काफ़ी थकाने वाली राइड रही अभी तक, यहाँ से मसूरी है 100 के आसपास है, अभी 2-3 घंटे का और रास्ता है। कैसा लगा पीछे बैठकर? ठीक है यार, बस हो गई बहुत यार, नैरो रोड था, कंजस्टेड सा था थोड़ा रोड, तो इसलिए ऐसा हुआ, 100 किलोमीटर कंजस्टेड हो गया। हाँ अभी तो हाईवे शायद हो जाए चालू, मुश्किल है शायद थोड़ा आगे जाके होगा, मसूरी के पास जाके होगा। बाकी देखते हैं बाहर का, एक बार आपको व्यू दिखा दूँ मैं, व्यू अच्छा है ना बाहर का होटल का। तो ये देखो, ये कुछ व्यू है यहाँ का, ये ब्रिज पीपल डाली ब्रिज है यहाँ का फेमस, लोकेशन तो वैसे काफ़ी अच्छी है। तो ये आ चुका है हमारा खाना, ये मिक्स वेज, और ये कौन सी है, ये कौन सी सब्जी है? नहीं है। देख लो ये भी कंफ्यूज है, चलो अभी हम खा लेते हैं बाद में मिलते हैं, बिकॉज भूख काफ़ी लग रही है। ये हमारी रोटी है अभी नहीं। तो ये आ चुकी है हमारी कॉफ़ी, तो अभी कॉफ़ी पीकर निकल जाएंगे यहाँ से। तो अभी खाना वगैरह खाकर कॉफ़ी पीकर निकलने की तैयारी है यहाँ से, 4:15 हो चुके हैं और देखते हैं मसूरी कब पहुँचते हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर पूरे। खाना खाने के बाद ना ऐसा जोश आता है राइड करने का भी, पहले जब भूखे पेट ही सुबह से निकले थे तो बहुत ही आलस आ रही थी मुझे, तो अभी आधा पौना घंटा वहाँ पर रेस्ट की और खाना वगैरह खाया, ठीक है। अभी सीधा मंसूरी रुकेंगे, मंसूरी पहले कभी नहीं मैं गया, जैसे कि आपको पहले मैंने बताया उत्तराखंड पहली बार है, तो मसूरी देखते हैं कैसा रहेगा। कैंपटी वाटरफॉल वहाँ का सबसे फेमस है। ये पेट्रोल वाला सेल कब से ब्लिंक कर रहा है, कब से, मतलब लगभग हो गया मुझे 15 किलोमीटर से ये ब्लिंक कर रहा है, अभी तक कोई पेट्रोल पंप नहीं आया, बस भोले बाबा कृपा बनाए रखना अपनी, पेट्रोल ना ख़त्म होने देना इस रोड पर। मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी इसमें कितना पेट्रोल है, कितना ये चलती है ये ब्लिंक करने के बाद, तो बस गैस है। एक पीछे पेट्रोल पंप था वहाँ पर कार्ड नहीं चल रहे थे, हमारे पास कैश था नहीं, तो इसलिए भाई लोग हमेशा अपने पास 500,000 का कैश जरूर रखो। पहाड़ों में ना मुझे ऐसे ब्रिज काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये देखो क्या ब्यूटी है, और पूरी नदी ग्रीन ग्रीन, अभी साथ में ही चलेगी शायद, देखो वाह। चंबा न्यू टेरी है 21 किलोमीटर, चंबा है 28 किलोमीटर, यहाँ पर भी चंबा है, हिमाचल में भी चंबा है, यहाँ पर भी श्रीनगर है, और जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर है। हिमाचल वाला चंबा तो आपको पता ही होगा, वहाँ से मणिमहेश का ट्रैक स्टार्ट होता है, और यहाँ पर भी चंबा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेल ख़त्म हो जाएगा इस बाइक में, बिकॉज पहाड़ी पहाड़ है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल पंप होगा कोई। वाहेगुरु वाहेगुरु हर हर महादेव लेकर जाना यार, अगर बाइक का तेल ख़त्म हो गया ना भाई लोग, सच्ची बताऊँ बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी, बिकॉज तेल ख़त्म हो गया नहीं तो उनको भेजना पड़ेगा तेल लेकर, आ फिर वो आएंगे पता नहीं कहाँ होगा पेट्रोल पंप, तो हर हर महादेव कृपा बनाए रखना, तेल मत ख़त्म होने देना। महादेव के दरबार से आए हैं, महादेव नाराज तो होने नहीं देंगे हमें, तो फाइनली पेट्रोल पंप इज़ हेयर, पर कार चलता हो भाई लोग, बाकी हमारे पास कैश तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस 102, कहीं 103, कहीं 104, उत्तराखंड में भी प्राइस डिफरेंट है यार, हमारे पूरे पंजाब में चल जाओ एक ही प्राइस मिलेगा आपको, पर यहाँ पर देखो 102.91 वहाँ पर। तो यहाँ पर भी नहीं कार चलता, पर 100 रुपया कैसा है हमारे पास, 100 का डलवाएंगे इसमें, बिकॉज इन्होंने बोला 8 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप है, 100 का डलवाएंगे इसमें
इसमें 100 का, ओनली 100 में मसूरी पहुंचा देंगे। ये देखो डांसर, डांस 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 यार। पेट्रोल पंप वाला इतना फुद्दू बंदा, वो आ ही नहीं रहा। हम 5 मिनट हो गए खड़े हुए कि डाल दे 100 का डाल दे, आ ही नहीं रहा। तो अभी आगे जा रहे हैं तो महादेव फिर से बचाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं तो दूसरे बाइक में से निकाल कर डाल लेंगे इसमें, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये देख लो भाई साहब, ऐसा थोड़ी होता है कि बंदा 500 का डलवाए तभी आप आओगे। क्या भाई जी, ये पेट्रोल पंप है टीरी के आगे, थोड़ा सा टीरी के आगे है। और टीरी काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, आप विजिट कर सकते हो। वो पहाड़ पर पूरा है चंबा, वो है चंबा उत्तराखंड का, काफ़ी बड़ी सिटी है ये भी। जैसा शिमला नहीं है वैसा ही है, शिमला ही लग रहा है दूर से तो, पर है चंबा। यहाँ पर पेट्रोल मिल जाएगा शायद, हाँ मिलना तो चाहिए, इतनी बड़ी सिटी है। जहाँ से मसूरी 60 किलोमीटर है बस। वो सामने आ गया HP का पेट्रोल पंप। वैसे सच बताऊँ ये बाइक मैं नहीं आज लेकर आया, ये भोले बाबा लेकर आए हैं भाई साहब। सच्ची बताऊँ ब्लिंक जब से करा है मैंने 40-50 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक चला दी है। इतना तो ये 500 में भी नहीं चलती जितना ये ब्लिंक करते वक्त चल गई बाइक। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वो देखो सामने बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं आपको, उन पहाड़ों के पास से हम आए हैं। पर यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि सामने ही है, पर नहीं, बहुत दूर है। तो अभी पेट्रोल फिल करवाते हैं यहाँ से, बस कार चलता हो भाई। तो भाई लोग नहीं तो 100 का डलवाना पड़ेगा। लगता है आज बाबा इम्तिहान ले रहा है अपना, इस पंप पर तेल ही नहीं है। क्या होगा यार, पहाड़ों में तेल पहुंचाओ बाबा जी, क्या कर रहे हो, हमारी बाइक मत बंद होने देना। बस देखो मसूरी है 53, देहरादून 87, ऋषिकेश 60। हमको पेट्रोल भरवाने के लिए ऋषिकेश वाले रोड पर जाना पड़ेगा, उन्होंने ऐसा बोला कि आधे किलोमीटर में पेट्रोल पंप है, बाकी देखते हैं। तो ऋषिकेश रोड पर आकर ये पेट्रोल पंप मिला हमें, 100-200 मीटर इधर को आना पड़ा ऋषिकेश रोड पर। तो साथ में ही है तो वापस जाएंगे, फिर जाएंगे देहरादून, देहरादून सॉरी मसूरी जाएंगे। अभी यहाँ से टैंक फुल करवाते हैं। तो यहाँ पर रेट है 101, मैंने 102 भी उत्तराखंड में देखा, 103 भी, पता नहीं क्या हिसाब है उत्तराखंड का। अभी फुल करवाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो 1500 का अब आया 15 लीटर। तो ये देखो क्या व्यू है, पूरा सनसेट हुआ है सामने, मतलब रेड रेड सा, और ये पूरे पहाड़ के ऊपर। अभी मसूरी यहाँ से 40 किलोमीटर और है, और धनोल्टी यहाँ से है 14 किलोमीटर। तो पहुँचेंगे बस आधे एक घंटे में। और मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया है, यहाँ पर भी ठंड है थोड़ी सी। और ये आया मेरा पीछे भाई, ये धीरे चल रहा है बिकॉज इसने पीछे लगेज बांध रखा है, तो लीन नहीं हो रही बाइक। अपन की तो पूरी लीन हो रही है बाइक, मज़ा आ रहा है। अपनी बाइक का टायर देखो, ये देखो पूरा का पूरा, मैं काफ़ी लीनिंग करता आया पीछे से, ये देखो पूरा का पूरा घिसा हुआ है। अच्छी लीनिंग होती है ज़ीनोसो पर भी। तो अभी मसूरी में पहुँच चुके हैं, अभी होटल्स वगैरह देखते हैं कहाँ मिलेंगे। तो अभी होटल वगैरह ले लिया, अभी माल रोड पर जा रहे हैं हम दोनों, बिकॉज अपनी ज़ीनोसो वहीं पर खड़ी की है, बिकॉज वो हो गई है पंचर। अभी पंचर लगवाने जा रहे हैं, अगर शॉप खुली हुई तो, 8:30 हो चुके हैं तो देखते हैं अगर शॉप खुली हुई तो। तो ये देखो ये घुसी हुई है कील और टायर, आपको लगातों की शिकल पंचर हो गया है। अभी देखते हैं अगर शॉप खुली हुई तो लगवा देंगे, नहीं तो सुबह हमारा आधा घंटा नहीं तो वेस्ट हो गया इसके चक्कर में। पंचर वाला कोई शॉप नहीं खुली तो ये सुबह ही ठीक होगा। तो अभी इसको पैदल पैदल लेकर जाएंगे, बिकॉज टायर बहुत महंगा है, 35,000 का टायर अगर फट वगैरह गया, क्योंकि ये रोड पर पत्थर वगैरह है थोड़े थोड़े, अगर थोड़ा सा भी पत्थर अभी लग गया तो ये टायर फट जाएगा, 35,000 का नुकसान हो जाएगा। तो इससे अच्छा है तो पैदल ले जाओ इसको। इतनी भारी बाइक है ये, लेकर भी नहीं जा सकता मैं। अभी मैं स्टार्ट करके क्लच थोड़ा सा छोड़कर लेकर जा रहा हूँ, आपके सामने बंद करके ये लेकर नहीं जा